बहुत एंथुजियास्टिक माहौल है और मैं इतना ही कोई कोई भी अवार्ड मिलता है बड़ा नहीं होता। अगर एक कलाकार कोई परफॉर्मर को जब भी अवार्ड मिलता है वो ऑलवेज वेरी हैप्पी वेरी एक्साइटेड अबाउट द अवार्ड। इतने सालों की मेहनत आई थिंक ये कुछ अलग टाइप का अवार्ड है मोस्ट अमेजिंग सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऐसा पहली बार मैं सुन रही हूँ तो अच्छा लगता है। इतने साल तक सोशल मीडिया पे भी रेलिवेंट रहना अलग अलग कॉन्टेंट बनाना ब्लॉगिंग करना ग्रेट टास्क एंड उसके लिए अगर अवार्ड मिल रहा है तो बस अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप है ओनी भी है जिसपे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट तो चलता ही रहेगा एंड डिजिटल में भी बहुत अभी हाल ही में मेरी एक यूट्यूब चैनल है ब्लॉगिंग कर रही हूँ सो पॉडकास्ट किया एक नया एंड द शो इज कॉल्ड रियल मी नो सो प्लीज टू वॉच इट जिन्होंने नहीं देखा शो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आई एक एक्टर को रेलिवेंट रहना टाइम्स के साथ चलना हर एक अपॉर्चुनिटी को यू नो खुशी से एक्सेप्ट करना आई थिंक एक कलाकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ साल पहले ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया क्या है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के बिना चलेगा ही नहीं। Thank you.